गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट। ओके, सीमेंट जो हम यूज करते हैं उसका हमें सेटिंग टाइम पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारे पास कितना टाइम है, हाउ मच टाइम वी हैव टू वर्क विद सीमेंट। सो द टेस्ट इज परफॉर्म्ड विद अपैरेटस नेम एज विगट अपैरेटस। ओके, लेट्स हैव अ लुक about the apparatus. Here is your apparatus, that is Viggot apparatus. Okay, तो ये आपका प्लंजर होता है Viggot apparatus में। ओके, जिसकी हेल्प से हम नीडल्स को पियर्स करते हैं आपके सैंपल में, देन यहाँ पे रीडिंग्स होती हैं, इससे हम मेजर करते हैं कितनी डेप्थ तक पेनिट्रेट किया है नीडल या प्लंजर आपका। देन ये आपका मोल्ड होता है, मोल्ड का जो टॉप डायमीटर, द टॉप डायमीटर इज 40 mm एंड द बॉटम डायमीटर इज 80 mm। ओके, देन इन द बॉटम देयर इज अ नॉन पोरस प्लेट, मेटेलिक प्लेट, ये आपके सीमेंट को बहने से रोकता है। उसके बाद इसमें हम डिफरेंट टाइप के नीडल्स यूज करते हैं। पहली नीडल आपकी Viggot apparatus होती है 10 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की और 50 mm की इसकी लेंथ होती है, राइट। ये नीडल हम यूज करते हैं कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करने के लिए, सीमेंट की कंसिस्टेंसी जब हम कैलकुलेट करते हैं तब हम ये नीडल यूज करते हैं। देन सेकंड नीडल आपके पास होती है 1 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया की। ओके, तो दिस नीडल इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग फाइनल इनिशियल सेटिंग टाइम। इसके बाद एक और नीडल अपने पास होती है, वो उसको हम बोलते हैं अनदर कोलॉर, वो 5 mm डायमेंशन की होती है और उसको हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ओके, तो इसमें जो हम सैंपल लेते हैं सीमेंट का वो होता है 300 ग्राम का, उसमें हम वाटर ऐड करते हैं, लेकिन वाटर की क्वांटिटी क्या होगी वो होती है 0.85 टाइम्स ऑफ पी। व्हाट इज पी? सैंपल अपना 300 ग्राम का होता है, जो वाटर होता है वो होता है 0.85 टाइम्स ऑफ पी। पी इज व्हाट इज वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। सीमेंट की स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए जितना रिक्वायर्ड वाटर होता है दैट इज कॉल्ड पी, उसका 85% वी हैव टू यूज हियर। देन फर्स्ट ऑफ ऑल दिस नो व्हाट इज सेटिंग टाइम, इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल सेटिंग टाइम, टाइम इज बिटवीन द टाइम वाटर एडेड टू द सीमेंट एंड द टाइम सीमेंट स्टार्ट लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। वाटर एड करने से लेकर सीमेंट जब प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट कर देता है उसके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है दैट इज कॉल्ड इनिशियल सेटिंग टाइम। ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट फाइनल सेटिंग टाइम, टाइम इलेप्स बिटवीन द टाइम वाटर एडेड टू द सीमेंट एंड द टाइम सीमेंट लॉस्ट इट्स प्लास्टिसिटी कंप्लीटली। वाटर एड करने से लेकर जब सीमेंट कंप्लीटली प्लास्टिसिटी लूज कर दे, फर्म हो जाए, हार्ड हो जाए, उस टाइम इंटरवल को बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। ओके, अब कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखते हैं। अपन सैंपल को इस मोल्ड में फिल करते हैं पूरा टॉप तक। ओके, उसको टॉप को पूरा प्लेन कर देते हैं, देन हमें जो भी कैलकुलेट करना है वो नीडल हम यूज करेंगे। अगर हमें कंसिस्टेंसी निकालनी है कंसिस्टेंसी वाली नीडल यूज करेंगे, सेटिंग टाइम निकालना है सेटिंग टाइम वाली नीडल यूज करेंगे। तो सपोज हमने सेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, हम सेटिंग टाइम के लिए 1 mm स्क्वायर के क्रॉस सेक्शन वाली नीडल इसमें यूज करेंगे और उसके बाद इसको जेंटली हम डाउन साइड में इंसर्ट करेंगे और देखेंगे कि किस किस टाइम पीरियड में, कितने टाइम पीरियड में नीडल कितना पेनिट्रेट कर रहा है। तो सेटिंग टाइम कैसे चेक करेंगे अपन? सेटिंग टाइम कैसे चेक करेंगे? जब हम टॉप साइड से नीडल को पेनिट्रेट करेंगे तो वो इनिशियल टाइम हमें पता है कि हमने बॉर्डर कब ऐड किया है, हमें वो टाइम चाहिए कि जब हम पेनिट्रेट करें तो नीडल टॉप से 30 to 35 mm पेनिट्रेट कर जाए या फिर बॉटम से 5 to 7 mm तक पेनिट्रेट कर जाए। तो जिस टाइम पीरियड पे नीडल टॉप से 30 to 35 mm तक पेनिट्रेट करेगी या बॉटम से 5 to 7 mm तक पेनिट्रेट करेगी, उस टाइम पीरियड में जो इंटरवल होगा वो अपना होगा इनिशियल सेटिंग टाइम। और अगर हमें फाइनल सेटिंग टाइम देखना है तो इनिशियल टाइम हमें पता होगा जब हमने वाटर ऐड किया है, उसके बाद टाइम इंटरवल में इसमें जो 5 mm की आपकी एनुलर
जेंटली पियर्स करेंगे गम साइड में। हमें वो टाइम पीरियड नोट करना है जिस टाइम पीरियड में जो नीडल है ये 5 mm ये सैंपल को बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं कर पाए, या ज्यादा से ज्यादा 0.5 mm तक पेनिट्रेट करे, वो टाइम अपना होगा फाइनल फिटिंग टाइम। तो इस तरीके से हम टेस्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो इंजेक्शन टाइम निकल के आता है वो होता है अप्रॉक्सिमेटली 30 mm, और जो उसके लिए फाइनल फिटिंग टाइम होता है वो होता है 10 आवर। मोस्ट ऑफ ऑल सीमेंट के लिए जो सेकेंड टाइम होते हैं इनिशियल फाइनल तो यही होते हैं, कुछ स्पेशल सीमेंट्स होते हैं इनके लिए चीजें वेरी करती हैं। लाइक अगर हम लो हीट सीमेंट की बात करें, लो हीट सीमेंट के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 60 मिनट। इसी तरीके से फाइनल भी थोड़ा बहुत वेरी करता है, अलग अलग सीमेंट के लिए थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, बट जो स्टैंडर्ड हम पढ़ते हैं वो यही रहता है 30 mm एंड 10 आवर। ओके, थैंक यू।